तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एसएचएम और वेब। तो एसएचएम वेब काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे थोड़ा कम ही क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू से माइनस ए टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गो फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस ए इज 2 सेकेंड। समझ रहा, मतलब अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो चलो मान लेते हैं कि ये मेन पोजीशन है, 0,0 है, और यहाँ से ये पार्टिकल इधर जाता है, दैट इज प्लस एम, इधर माइनस जाता है। ये कहते हैं कि प्लस ए टाइम टेकन फ्रॉम एक्स, या इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो मिड पॉइंट तक यहाँ तक आता है, दिस इज द पॉइंट बी, और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस ए बाई टू, तो ए बाई टू तक आता है, तो उसको 2 सेकेंड लग गया। मतलब ओ से बी तक आने में टाइम कितना लग गया, टाइम फ्रॉम ओ टू बी, टाइम फ्रॉम ओ टू बी कितना लग गया, 2 सेकेंड लग गया, ऐसा दिया हुआ है, गिवेन है मेरे भाई। ठीक है, तो टाइम टेकन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू ए, मतलब अदर हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट ओ बी और यहाँ से सी तक आने में, मतलब बी से सी तक, बी टू सी कितना टाइम लगेगा, वही हमें निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हो, फेजर से कर सकते हो और बेसिक इक्वेशन से कर सकते हो। तो अभी मैं बेसिक इक्वेशन से ही कर सकता हूँ, ठीक है ना, बेसिक मेथड, फेजर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके फैकल्टी नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप मेरा कोई एसएचएम का लेक्चर होगा तो फेजर बहुत पावरफुल है, वो देख लेना प्यारे बच्चों। तो जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मैं बड़े आराम से लगा सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ए बाई टू है, और ए साइन ओमेगा टी यहाँ आया, तो ए ने ए को काट दिया, मतलब ये आ जाएगा साइन पाई बाई सिक्स डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो पाई बाई सिक्स आई। ओमेगा टी होता है 2 पाई टी टाइम पीरियड, और यहाँ से 2 सेकेंड दिया हुआ है, दैट इज पाई बाई सिक्स, तो पाई ने पाई को यहाँ खत्म कर दिया, तो टी इज इक्वल टू 24 सेकेंड। मतलब पूरे एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो 24 सेकेंड है। मतलब इसको यहाँ से जाने में, फिर आने में, फिर इधर जाने में, और फिर यहाँ से आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक एक यहाँ से, हाँ, अब यहाँ से देखोगे ओ टू सी कितना टाइम लगेगा, तो ओ टू सी टाइम लगता है, वो लगता है टाइम पीरियड का 4 टाइम्स कम, ठीक है, 1/4, मतलब ये आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक ना, तो ओ से बी तक 6 सेकेंड लगा, और ओ से सी तक 6 सेकेंड लगा, ओ से बी तक 2 सेकेंड लगा, तो बी टू सी कितना लगेगा, तो बी से 6 माइनस 2, दैट इज 4 सेकेंड, इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो 4 सेकेंड, मतलब ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बाकी सारे इसके रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।